राष्ट्रीय हिंदी दैनिक मित्र श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ सरकार से दिया इस्तीफा। प्रयागराज में माघ मेला प्रारंभ होने से पहले ही कोरोना की दस्तक, ड्यूटी में लगे 7 पुलिसकर्मी हुए संक्रमित। प्रयागराज से लखनऊ के बीच चलेगी शताब्दी एक्सप्रेस, रेल यात्रियों का सफर होगा आसान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक केस में कहा, अभियुक्त के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हो तो हत्या का उद्देश्य साबित करना जरूरी नहीं। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर हुए बंद, कई नए प्रतिबंधों का भी हुआ ऐलान। भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INN विक्रांत का समुद्र में चल रहा ट्रायल, पाकिस्तान और चीन के हौसले होंगे पस्त। भारतीय नौसेना ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, लड़ाकू युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से दागी गई मिसाइल। कोरोना की रोकथाम को मिशन मोड में सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कर रहे अहम बैठक, PM मोदी भी लेंगे जायजा। केरल में पत्नियों की अदला बदली करने वाले रैकेट का हुआ पर्दाफाश, रैकेट चलाने वाले 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। देश में 28 राज्यों में अब तक फैल चुका है ओमिक्रॉन, 4,400 के पार हुए मामले। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त हुए नियम, जरूरी होगा 7 दिन का होम क्वारंटाइन। कर्नाटक में बैंक द्वारा लोन का आवेदन खारिज होने से निराश शख्स ने बैंक को लगाई आग, IPC की धारा के तहत मामला हुआ दर्ज। ऑनलाइन परीक्षाओं में हैकर्स की घुसपैठ, गलत अभ्यर्थियों के चयन की बड़ी आशंका। अफगान महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ विरोध के लिए अपनाया नया तरीका, हिंसा से बचने के लिए अपनी मांगों को रात में दीवारों पर लिखना किया शुरू। अफगानिस्तान में आर्थिक संकट से गुजर रहे पत्रकार, 80% लोगों ने बदला पेशा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आई खुशखबरी, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव को मार्च तक आएगी फाइजर की नई वैक्सीन। चीन में बड़े COVID-19 के मामले, देश ने अमेरिकी उड़ानों को रद्द करने का दिया आदेश। काबुल में तालिबान की कार्रवाई में मारे गए IS के 3 आतंकवादी, 2 हुए गिरफ्तार। कोरोना की चपेट में आई 92 वर्षीय गायिका लता मंगेशकर, ICU में कराया गया भर्ती। धरती के पास से गुजरेगा विशाल एस्टेरॉयड, नासा ने किया खतरनाक घोषित। हिमाचल में बर्फबारी के चलते 600 संपर्क मार्ग ठप होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति हुई बाधित, बर्फ पर स्किड होकर कई गाड़ियां हुई दुर्घटनाग्रस्त। रक्षा मंत्री को कोरोना होने पर चीन का प्रोपेगेंडा, कहा राजनाथ के संक्रमित होने से भारतीय सैनिकों पर पड़ेगा मनोवैज्ञानिक दबाव। टाटा ग्रुप ने चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो की छुट्टी, IPL 2022 के लिए बनी टाइटल स्पॉन्सर। तमिलनाडु में समाज सुधारक पेरियार की मूर्ति को तोड़ने के आरोप में हिंदू संगठन के 2 कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती, प्रदेश भर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, वसूला गया जुर्माना।